आदरणीय सचिव महाराज जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महाराज जी, आदरणीय ब्रह्मचारी महाराज जी, आदरणीय शिक्षकों, अभिभावकों और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने कवि मनोज शुक्ला मुंतासिर के रचित कविता मैं उस भारत से आता हूँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रणाम, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती के संतान। आपकी तरह मेरी शिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारत वासियों की परंपरा। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। मैं उस भारत से आता हूँ जो टुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपना सिस्टर एंड ब्रदर कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितों प्रवेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पढ़ाया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विश्व पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मणी वाणी करस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी हो के भी माखन चुराता है और महाअवतार हो के भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुमारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और पांच पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश का बलवान है फिर भी धरती का धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान। पढ़ो हमारे इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है, एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी, एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका ना झुका ना डरा। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वचन डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला संघनाद और मानवता का अंतिम आश्रय। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय